संपन्न है, हट हम मजबूत हैं, रक्त से भी धन से भी पैसे से सब चीज से। एक कई चीज ऐसी होती हैं कि उस समय हमें SSP को फोन करवाना है, DM को फोन करवाना है, किसी बच्चे के साथ में गलत काम हुआ है उसका विरोध करना है, तो हमें जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। और ऐसा जनप्रतिनिधि अगर हमारे बीच का हो तो मजेदार बात हो जाती है। इसी क्रम में आप मेरे ख्याल से गुर्जर और टाटा समाज जी हैं, गुर्जर समाज है। तो देखो जी, मैं तो आपके बच्चे को हाथ जोड़ के ये कहूंगा, हम अभी तक आपको वोट देते हैं जी। पहले बढ़ावन जी को लड़ाया था हमने, काम ने छोड़ के अब सुविंदर भाई को लड़ाया, और हम तो देते आए जी गुजरों को वोट, अब देंगे आगे भी देंगे। और जी हम तो आपसे भीख मांगने आए हैं, आप हमें अपना वोट दें, आपके बीच का भाई है। और ये गांव जो है, विशेषकर ये गांव, वैसे सब गांव अपने ही है, ये गांव विशेषकर भाई साहब का तो घर ही है, लोहिया जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो इस गांव का तो यहां तो हमें अधिकार भी मांगना चाहे लड़के ले रहे हैं इस गांव में। तो आप लोगों से यही है कि जो है आपका भाई है, बसपा से टिकट मिला है, अपना स्नेह दे दोगे तो जो है MP बनकर संसद में आपका भाई पहुंच जाएगा जी, आपकी आवाज जो है संसद में गूंजने लगेगी। आपसे ये अपील है, बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं, आपसे क्या समझाएं, आपसे क्या कहें, हम तो आप सारे बच्चे ही हैं। और कोई गांव का कुछ और कोई बुजुर्ग या साथी कुछ बोलना चाहता हो तो बोल दे, हम तो आपसे हाथ जोड़ने आए जी वोट के लिए। 26 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है मतदान करें, ताकि मैसेज जाए कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार है और इसमें कोई समाज बंधा हुआ नहीं है। ये टिकट ऐसा नहीं है किसी के एक पर्टिकुलर जाति धर्म संप्रदाय का है, ये जो हमारे इष्ट मित्र हैं सबका उसमें सहयोग चाहिए होगा, हम आपके बिना पूर्ण हैं। आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं कि आप 26 तारीख को ज्यादा संख्या में हाथी का बटन दबाएं। तो हाथ जोड़ के नमस्कार, और छोटे भाई बड़े भाई हमें बहुत सारा प्यार, कोई बच्चे ही बैठे हैं मेरे यहाँ, धनोटा मेरे लिए मेरे परिवार की तरह से है। हम ज्यादातर लोग आप मुझे जानते भी हैं, मेरा बहुत पुराना आना जाना आपके यहाँ, और मेरे आपके खेत भी मिले हुए थे। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरी खेती यहाँ से सरकार ने ले ली, मुझे जाना पड़ा, वरना आपके कंधे से कंधा मेरे आगे यहीं रहता, नहीं आप लोगों भी मैं रोटी खाता, मट्ठा भी पीता, और क्या करूँ, सरकार ने भेज दिया जी, ये मेरी मजबूरी थी। मैं सिर्फ आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपसे सिर्फ ये प्रार्थना करने के लिए हूँ, अगर मुझे लायक समझो कि मैं आपके दुख दर्द में काम आऊँ। और विक्रांत ने एक बात कही कि प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपकी पहुँच हो, प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आप कान पकड़ के बुला सके। तो जब भी आप मुझे आवाज़ देंगे मैं विश्वास दिला रहा हूँ मैं आपकी सभा में हाजिर रहूँगा। अपने परिवार में दिक्कत नहीं, एक बात कैसा है